भोजपुरी के सुपरस्टारों को कम आंकने की गलती कभी मत कीजिएगा, क्योंकि इनका भी स्टारडम बॉलीवुड सुपरस्टारों से कम नहीं है। जी हाँ, ये भी बॉलीवुड सुपरस्टारों की तरह लग्जरियस लाइफ जीते हैं और उन्हीं की तरह ही महंगे महंगे कार कलेक्शन भी रखते हैं। जी हाँ, इस वीडियो में हम आप सभी को भोजपुरी सुपरस्टारों के कार कलेक्शन के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भोजपुरी सिनेमा अब देश ही नहीं विदेश में भी अपनी खास पहचान बना चुका है और आज भोजपुरी सितारों के करोड़ों चाहने वाले हैं और आज ये सुपरस्टार लेविस लाइफस्टाइल में किसी से पीछे नहीं है और लग्जरी गाड़ियों में सफर करते हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं कि किस सितारे के पास है कौन सी गाड़ी। नंबर वन, दिनेश लाल यादव निरहुआ। निरहुआ के पास टोयोटा क्रिस्टा, BMW X5, जगुआर XF और मर्सिडीज बेंज जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं। नंबर टू, खेसारी लाल यादव। खेसारी के पास 30 लाख रुपए की कीमत वाली एक टोयोटा फॉर्चुनर है, इसके साथ ही खेसारी के पास स्कॉर्पियो भी है। नंबर थ्री, आम्रपाली दुबे। आम्रपाली के पास BMW और फॉर्चुनर जैसी महंगी गाड़ियां हैं। नंबर फोर, रानी चटर्जी। रानी भोजपुरी की पुरानी व बेहतरीन कलाकारों में से एक हैं। बात करें इनके कार कलेक्शन की तो रानी के पास रेड कलर की मर्सिडीज कार है। नंबर फाइव, रवि किशन। भोजपुरी एक्टर और बीजेपी सांसद रवि किशन के पास भी कई लग्जरी गाड़ियां हैं, जिनमें उनके पास BMW से लेकर मर्सिडीज बेंज जगुआर शामिल है। इसके साथ ही उनके पास टोयोटा क्रिस्टा भी है, जिसकी कीमत लगभग 13,44,000 रुपए है। नंबर सिक्स, पवन सिंह। पावर स्टार पवन सिंह भी लग्जरी गाड़ियों के शौकीन हैं और पवन के पास मर्सिडीज बेंज GLE 250D है। इसकी कीमत लगभग 75 लाख से 85 लाख के बीच है। इसके अलावा पवन के पास रेंज रोवर, टोयोटा फॉर्चुनर और महिंद्रा स्कॉर्पियो भी है। नंबर सेवन, अक्षरा सिंह। बिहार की शेरनी अक्षरा के पास भी गाड़ियों का अच्छा खासा कलेक्शन है। अक्षरा के पास टोयोटा फॉर्चुनर, थार, मर्सिडीज बेंज और BMW है। नंबर एट, मनोज तिवारी। मनोज तिवारी इन्हें भोजपुरी का जन्मदाता कहा जाता है। बात करें इनके कार कलेक्शन की तो इनके पास मर्सिडीज बेंज, ऑडी Q7, फॉर्चुनर, होंडा सिटी और इनोवा जैसी गाड़ियां शामिल है, जिनकी कीमत करोड़ों में है। वेल, तो हमने आपको भोजपुरी के 8 सुपरस्टारों के कार कलेक्शन के बारे में बताया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।